जय श्री राम नमः श्री ओम नमः श्री नम हरि हंतारणम नमो सिद्धार्णम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सब साहो वंदितु शब सिद्ध धोमचल मनोवम गयम पते बोच्छाम समय पाप बिनमाशुद के वणिगम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावाय वावाय सर्वभावांतर। समय सार जी परमागम आठवीं गाथा है। अनार्य भाषा के बिना समझा सके ना अनार्य को, बस त्यों ही समझा सके ना व्यवहार बिन परमार्थ को। इसकी बहुत चर्चा हुई, एक बहुत अच्छा प्रसंग है इसमें से वो लेना है। अभी तक अपन ने कहा है कि व्यवहार के बिना परमार्थ समझाया नहीं जा सकता, उसके लिए दृष्टांत दिया बहुत अच्छा। जैसे ब्राह्मण को कोई नमस्कार करे तो ब्राह्मण उसको क्या करता है, स्वस्ति का आशीर्वाद देता है। स्वस्ति सुने, स्वस्ति स्वस्ति रस्तु, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। तो जो संस्कृत भाषा नहीं समझते, प्राकृत नहीं समझते, संस्कृत नहीं समझते, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं। जैसे जिसको अंग्रेजी नहीं आती उसके सामने कोई अंग्रेजी बोले तो कैसा लगता है, कुछ समझ में नहीं आता। हमारे सामने कोई तेलुगु बोले तो हमें समझ में नहीं आता। ऐसे यहाँ पर कोई स्वस्ति बोला नमस्कार करने पर तो उसको कुछ समझ में नहीं आया। एक बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग है इसमें, वो तो मेढ़े की भांति टक टक ही लगा करके देखता जी क्या कह रहे। उसमें से बहुत सुंदर सुंदर पांच बातें निकाल दी इस गाथा में से, पांच बातें मैं उसकी चर्चा करूंगा। बाकी चर्चा अपन सब समझ चुके हैं इसलिए उसका रिवीजन नहीं करते। गुरु के मुख से आत्मा शब्द सुनने वाले शिष्य को सैनी पंचेंद्री होना चाहिए, माने छोपसम लब्धि। पांच लब्धियों के नाम सुने आपने, सम्यक दर्शन होने के लिए पांच योग्यताएं होनी चाहिए। पांच आगे से इसे जगह तो भाई पांच योग्यताएं होनी चाहिए। नंबर एक, समझने की शक्ति होनी चाहिए। छह ऑप्शन समझते, छह ऑप्शन सिंपल भाषा में समझने की शक्ति। आपके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आपको हम आत्मा कहें और आपको समझने के में आ जाए। जिसमें समझने की योग्यता नहीं वो सम्यक दर्शन नहीं ले सकता। इसका मतलब है संगी पंचेंद्री होना चाहिए, सैनी होना चाहिए। सैनी का मतलब समझते हो, सैनी का मतलब, संगी का मतलब जो मन सहित हो। सैनी का हो, संगी का हो, जो मन सहित हो। मन सहित का मतलब यह है जिसमें मेरे लिए क्या हित रूप है और क्या अहित रूप है इसका निर्णय करने की शक्ति होनी चाहिए। आपने देखा चिंटी में हे उपाधि का निर्णय करने की शक्ति नहीं होती। यहाँ से आप उड़ाओगे उसी दिशा में जाएगी मरने के लिए। यदि उसे भूखे उड़ा देने तो पानी में मच जाओ, गटर में मच जाओ तो वो वही जाएगी। इसको आप समझाएंगे तो भी नहीं समझेगी। इसका मतलब है असंगी पंचेंद्री तक, असंगी पंचेंद्री समझते, असंगी पंचेंद्री तक उसको समझने की शक्ति नहीं। समझना मतलब मेरे लिए क्या छोड़ने लायक है, क्या ग्रहण करने लायक है, क्या हित रूप है और क्या
आहित रूप है, इसका निर्णय करने की शक्ति नहीं है। आप में है, आप जितने बैठे हैं सब में संगी पंचेंद्रिय हो। संगी पंचेंद्रिय समझते, मन सहित। मन सहित का मतलब जिनमें हे उपाधि का निर्णय करने की शक्ति है। बराबर, चले आगे। एक, भले ही कोई जीव आत्मा के बारे में कुछ भी ना जानता हो पर उसमें पात्रता हो, अर्थात नंबर वन, अपने को आत्मा को समझने योग्य बुद्धि का विकास हो, इतना क्षमता होना चाहिए कि वो समझ सके कि मैं आत्मा हूँ, नंबर वन। नंबर टू, कषाय मंद हो। अब इस पर रुक रहा हूँ, इसका नाम है विशुद्धि लब्धि। जिनवाणी आपको मंद कषाय होगी तो सुहाएगी, सुनने ही नहीं आएगी। तीव्र कषाय वाला सुनने ही नहीं आएगा। तीव्र कषाय समझते हो, हायर टेम्परामेंट, बहुत जम के गुस्सा में हो, जैसे किसी को 1 करोड़ का लॉस हो जाए, उससे कहो चलो भाई तो सुमत प्रकाश जी आए प्रवचन सुनने चला, तो कैसे चूल्हे में गए सुमत प्रकाश क्या लिखा है शास्त्र में, मेरे घाटा हो गया है। भाई तू भगवान की श्रद्धा कर, कौन भगवान, कैसे भगवान, मैं इतने दिन से पूजा करता हूँ, मेरे 1 करोड़ का लॉस हो गया। मतलब तीव्र टेम्परामेंट में हो तो उसे भगवान अच्छे नहीं लगते, उसको स्वाध्याय अच्छी नहीं लगती, उसे ग्रंथ अच्छे नहीं लगते, उसे धर्मात्मा अच्छे नहीं लगते। सुनना, विशुद्धि लब्धि बड़ी दुर्लभ है, आगे समझाया थोड़ा इसने। आत्मा सुनने के लिए तैयार हो वो विशुद्धि लब्धि है, कुछ कहा मैंने, आत्मा सुनने को तैयार। ध्यान रखो, भक्ति करना अलग बात है और आत्मा की बात सुनने की रुचि अलग बात है। भक्ति करने को तो अभी आप एक काम करो, डीजे लगा दो थोड़ा और कांगो, वो क्या क्या होता है सब मटेरियल बजाने का, हाँ सब लगा दो, तो झूम झूम के नाचने लगेंगे लोग और बड़ा आनंद आया, बोलो आज की आनंद की। नहीं नहीं, इसका नाम विशुद्धि लब्धि नहीं है। भजन करना ये विशुद्धि लब्धि नहीं है, पूजन करना विशुद्धि लब्धि नहीं है। आप अन्यथा नहीं ले तो मैं कहूँ, व्रत उपवास नियम संयम कर लेना भी विशुद्धि लब्धि नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। आत्मा का अनुभव करने के लिए आत्मा का निर्णय चाहिए और आत्मा के निर्णय के नाम पर वो एब्सेंट माइंड हो जाता है। मैं एक सरल दृष्टांत दूं, किसी लड़के को विवाह करने की रुचि है तो उसको सबसे ज्यादा रुचि होना चाहिए लड़की देखने में। लड़की देखना मतलब सड़क पे नहीं, जहां देखने जाते नहीं। अब जैसे घर वाले कहते बेटा आपको लड़की देखने चलना है, मेरे से लड़की की बात मत करो, शादी की बात करो, कहते मूर्ख तू जब लड़की देखने नहीं जाएगा हमारे साथ, पसंद नहीं करेगा तो शादी कैसे हो जाएगी। नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे शादी में लेकिन बहुत मजा आता है, आप जरूर मेरी शादी करो, जल्दी करो। समझ में आ रही किसी को समझ में। अब वो लड़की देखने गया, समझ लो चला भी गया, तो सबसे पहले बोला कितना दहेज दोगे। अरे तुझे लड़की की रुचि है कि दहेज की रुचि है, कि देखो लड़की मड़की के चक्कर में मैं नहीं पड़ता हूँ, तुम्हें जो देखे करना, मुझे 1 करोड़ से कम नहीं चाहिए। बोलो भाई शादी होगी कि नहीं होगी। भाई तुझे 1 करोड़ रुपए की दहेज की रुचि है कि लड़की की रुचि है। पहले वो देखने तैयार नहीं था, सुनने तैयार नहीं था, बात करने तैयार नहीं था, जैसे जैसे चला गया तो वहां जाकर के भी। अब और एक कदम आगे बढ़ो, लोगों ने समझाया बेवकूफ तुझे शादी करना हो तो ढंग की बात कर, दहेज वगैरह की बात मत कर, चलो तुम दोनों जाने एक कमरे में चले जाओ बातचीत करो, तो चला गया। अब वहां जाके उसको क्या जानना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, क्या बातचीत करना चाहिए। अब जो करना चाहिए उसके बाद उसके बजाय वो ये पूछ रहा है क्यों यहाँ पानी कितना गिरता है, विजयवाड़ा में गर्मी तो बहुत रहती है, ये बात पूछे तो शादी हो जाएगी। बोला भाई तू ऐसे प्रश्न पूछ जिससे सगाई शादी हो, तुझे फालतू की बातें पूछना है, क्लाइमेट कैसा है, फला कैसा है, क्यों जाते से वो पूछे क्यों यार टॉकीज कितने हैं, इससे क्या लेना टॉकीज से, तुम तो उससे बात करो ना, उससे जाके पूछे क्यों यहाँ पर धनिया का क्या भाव है।
अरे वो तू मेरे से बिजनेस करने आया है क्या? मेरा मतलब समझना, काम की बात कह रहा हूँ। सम्यक दर्शन कर, ध्यान से सुनना, बहुत काम किया। सम्यक दर्शन करने के लिए शुद्धात्मा की रुचि चाहिए। आत्मा फात्मा की बात मत करो। जो गजे हो गया, जिस आत्मा की रुचि का नाम सम्यक दर्शन है, जिस आत्मा के अनुभव का नाम सम्यक दर्शन, उस आत्मा का तूने खात्मा कर दिया। आप तो ये बताओ, तीन लोग कैसे होते हैं? अरे बराबर, तीन लोग भी सुन लेना, लेकिन तू पहले सम्यक दर्शन करना है कि तीन लोग को जान जाए। बोलो क्या करना चाहिए? लोग में आपने सुना होगा, आम खाना है या नहीं खाना है, अरे आम खाना है या पेड़ गिनना है। ऐसी कहावत सुनी होगी, आम खाना है कि पेड़ गिनना है। अरे सामने आम रखे खा। ऐसे फिर से सुनो, बहुत काम किया। इस जगत के जीव को सब चीजों की रुचि होती है, एक शुद्धात्मा की रुचि नहीं होती। जैसे मैं कहूं, आप सब भगवान आत्मा हो, आप शुद्ध आत्मा हो, अकर्ता हो, आहा तुम सब प्रभु हो, अल्पकाल में भगवान बनने लायक हो। अब इतनी बात सुन पर के तो सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए। ओ, आज मैंने पहली बार अपनी प्रशंसा सुनी। धन्य है ग्रंथ, धन्य है आचार्य, धन्य है भगवान। ओ धन्य वाला जीवन शासन जो हमें भगवान कह रहे हैं। अब ऐसी बात सुनते से नाराज हो जाते हैं लोग। जब देव जब आत्मा आत्मा चूल्हे में चली गई ऐसी आत्मा, भगवान भगवान करती। अरे पहले इंसान तो बन जा, भगवान बनने की बातें करती। इसका मतलब है हायर टेम्परामेंट। अब तो समझ गए, हायर टेम्परामेंट तीव्र कषाय। तीव्र कषाय का मतलब है इसे शुद्ध आत्मा की बात सुनते से ही। मैं एक बात पूछूं, मैं आपको भगवान कह रहा हूँ तो खराब कह रहा हूँ? तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। लेकिन जब देखो, जब आप मुझे भगवान कहते हो, मैं तो इतना रागी हूँ, मैं तो इतना देशी हूँ, मैं तो इतना पापी हूँ, मैं तो कपड़ा पहनता हूँ, मेरे तो छोकरा छोकरी है और मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे बहुत मजा आता है, और आप मुझे भगवान कह रहे हो। तो एक बहुत अच्छा डायलॉग बोलता हूँ, तुम हीरा को कांच मानो तो अभी हीरा तो हीरा ही है, तू मत मान हम क्या करें, तेरे को इंटरेस्ट नहीं तो मत होने दे, लेकिन हो तो तुम भगवान। इसके लिए बाबू भाई जी बहुत अच्छी भाषा बोलते थे, आजे मानो काले मानो अनंत काल बाद मानो, मानना यही पड़ेगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? धन्य, समझ में आ रही क्या कहा? फिर से बोलता हूँ तेरे लिए स्पेशल, इसको शिकायत हो सकती है, आप भगवान कैसे कह रहे? मैं तो बालक हूँ, बालकों की भगवान हूँ। अब देखो सोचने पड़ रहा है वो, क्योंकि उसको अभी तक यही पता है कि मैं तो छिलका हूँ। ये तो पैकिंग का नाम है छिल लड़के का। तो तुम कौन हो ये बोलो, ईमानदारी से बोलो, क्या चौका मार सकते तो मारो, हम तो तुम्हें सुने ही नहीं। 4-6 नहीं समझे क्रिकेट की भाषा में, तो तुम सही जवाब दो तो 4 पड़ जाएगा, जैसे कलेश ने मारा था। समझ में आया? फिर से सोचो जरा, अरे हम आपको भगवान कह रहे तो कई लोग नाराज होते हैं, तो मैं आपको इसका खुलासा करता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना। हम आपको भगवान क्यों कहते हैं? वर्ल्ड की दी बेस्ट साइकोलॉजी है ये, कोई कहीं नहीं मिलेगी ये बात आपको, जो आपको जैन दर्शन मिलेगी, ये दी बेस्ट साइकोलॉजी। आपको पता है बिगड़े हुए बच्चे को राजा बेटा कहा जाता है। जब छोटा बच्चा नहाता नहीं ना, तब मम्मी कैसे लाड़ करती है, जल्दी आ जा राजा बेटा। वो नहा नहीं रहा ठंडों में, नाक से सेवड़ा बरस रहा है, आंखों में कीचड़ चल रहा है, पढ़ाई नहीं करता। जब तब मम्मी क्या बोलती थी पता है? अरे सुनाओ बेटे, जल्दी सुनाओ ना मुकामन, आप तो राजा बेटा हो। और वो सुना नहीं रहा, तब कह रहे राजा बेटा। अभी जब अभी तुम बड़े हो गए, तुम दोनों भाई भाई, अच्छा तब ठीक, तो तुम बड़े हो गए तो तुम अच्छे पढ़ते हो, लिखते हो, नहाते धोते हो, तो मम्मी राजा बेटा बोलती कभी? ये गजब देखो, जब नहा धो लिया, पढ़ाई लिखाई अच्छे कर रहा है, टॉप कर रहा है, तब मम्मी एक दिन भी नहीं बोलती राजा बेटा। तब ये साइकोलॉजी है, जिस समय तुम मोह राग द्वेष में डूबे हो, उस समय जिनवाणी बड़े प्रेम से कहती तुम्हें परमात्मा छो, तुम भगवान। अब दिव्य साइकोलॉजी है जैन दर्शन में।
अरे साहब ऐसे यदि आप भगवान कहोगे तो सब स्वच्छंद हो जाएंगे, हम कहीं खा पी रहे हैं, कहीं कपड़ों में पहन रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसा बिजनेस कर रहे हैं, और आप भगवान कह रहे हो सुन जिस दिन तुझे अपनी प्रभुता स्वीकार होगी उसी दिन पाप छूटना शुरू हो जाएगा। क्या बोला हमने, जिस दिन तुम्हें अपनी प्रभुता स्वीकार हो जाएगी उसी दिन से पाप छूटना शुरू हो जाएंगे। एक बार आपको लगना चाहिए, बस सरल दृष्टांत दे, हर्ष नाम दृष्टांत देखे आपके यहां भी होगा मुझे पता नहीं, एक वो विधायक या सांसद बनने के लिए रिजर्व कैटेगरी का नहीं होती, यहाँ पर रिजर्व लोगों के लिए SC ST के लिए ऐसा होता है ना, यहाँ पर विधायक की चुनाव वही लड़ सकता है, ऐसा होता है ना कहीं कहीं। तो ये समझो एक दृष्टांत की बात है कि आपके यहाँ विजयवाड़ा में समझ लो कि विधायक की पोस्ट स्वीप की है SC ST की, तो वहां पर एक स्वीपर खड़ा हुआ चुनाव में, स्वीपर समझते हो, तो स्वीपर आपके चुनाव में खड़ा हुआ, जरा ध्यान से सुना, जब तक उसमें चुनाव में लड़ने की रुचि नहीं थी, इच्छा नहीं थी, इंटरेस्ट नहीं था चुनाव लड़ने की, तब तक वो ऐसे खाता था, सड़क पे थूकता था, गंदे गाना गाता था, किसी के पान खा के भाग जाता था, मतलब उधार खा जाता था, सीधे मुंह बात नहीं करता था। आपने देखा वो स्वीपर का नेचर, आपको बड़े प्रेम से बोलना पड़ेगा तो शायद काम हो जाए, और कहो नहीं तो काम ना हो। अभी ऐसी हालत थी उस स्वीपर की, लेकिन जैसे ही उसको लगा कि मैं चुनाव जीत सकता हूं, मुझे टिकट मिल सकता है, एक कदम और आगे बढ़ रहा हूं, मैं मात्र जीत ही नहीं सकता हूं, इस समय नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल होने से हो सकता है मुझे मंत्री का पद भी मिल जाए, यदि मैं जीत जाऊं स्वीपर की पोस्ट से तो शायद मुझे मिनिस्ट्री भी मिल जाए, चलो मिनिस्ट्री जाने दो, विधायक ही बनाओ उसको, सही बताना। उसके कपड़े कौन से होंगे भैया, हर्ष एक तो कौन से कपड़े पहनेगा वो, कुर्ता पजामा नहीं नहीं वो पहनेगा स्लीवलेस जीन्स है ना, पहनेगा वोट मांगने जाएगा तो क्या करेगा, एक चश्मा लगाएगा आंखों पे, मुंह में पान होगा और माँ बहन की क्या नजर खराब होगी, क्या कमाल है। आप गौर से देखना जो चुनाव लड़ने जाते हैं ना उनकी नजरों में सील देखो, सील समझते हो, माता बहनों पर कोई खोटी दृष्टि नहीं, मुंह पर गालियां नहीं, और देखते सही माता जी पिताजी काका जी सबका आशीर्वाद लेता फिरेगा, आपका आशीर्वाद के सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। मैंने खान पान सुधर गया, कपड़े सुधर गए, सड़क पर चलने का ढंग बदल गया, सोचने का ढंग बदल गया, गालियां छूट गई, मैंने सील आ गया उसके जीवन में, जिन जिन के पैसे ले रखे थे ना उसने, हाँ लौटा नहीं आएगा भैया, हम पान खा गए थे आपका 5 रुपया, अभी सबके पैसे लौटा रहे, समझ में आ रहा है कुछ। जब 5 साल के लिए विधायक बनना हो तो 5 अणुव्रत का पालन करता है, क्या बोला समझते, 5 अणुव्रत मैंने अभ्रम नहीं कर रहा, परिग्रह नहीं बढ़ा रहा, और जो काम थे कपड़े वपड़े ठीक हो गए, सब आचरण सही हो गया। बोलू कुछ आपको, जब विधायक बनने की उम्मीदवार बना, कंफर्म नहीं है अभी, क्या बोलते हैं उम्मीदवार, क्या बोलते हैं, कंफर्म नहीं है अभी, वो उम्मीद है, अभी तो उम्मीद है, उम्मीद में इतना सुधर जाता है, और जो अनंत काल के लिए भगवान बनने जा रहा हो उसका आचरण नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरेगा। ये आपके प्रश्न का जवाब जी, पुरुषार्थ सम्यक सोच ये पुरुषार्थ, देखी एक्टिविटीज पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ का फल है वो, यदि हमारी सोच सम्यक हो गई, ओ मैं भगवान बनने जा रहा हूँ, बोलो अब क्या होगा, जो राष्ट्रपति भवन में जाते हैं ना उसका आचरण देखो, पापी से पापी व्यक्ति राष्ट्रपति भवन में जाएगा ना तो बोलने की आवाज नहीं होगी उसकी, चुप, कोई बात भी करना तो धीरे से, कभी आपने राष्ट्रपति भवन में किसी को झगड़ते नहीं देखा होगा, देश का कोई व्यक्ति वहां जाए, आचरण क्यों सुधर गया, जब राष्ट्रपति भवन में जाने में सुधर सकता है तो भगवान बनने के लक्ष्य से मंदिर में आया है तो परिणाम नहीं सुधरेगा। इसलिए मैंने वो डायलॉग बोला था, कौन सा डायलॉग, जिन्हें अपनी प्रभुता एक बार स्वीकार हो जाती है उनके जीवन में पाप छोड़ने पड़ते हैं या
अभी समझो 25 साल का शायद है ना, क्या है विधायक का चुनाव लड़ने के लिए 25 साल 35 साल जो भी हो देख लेगा, 25, 30, 35 जो भी हो, मान लो 25 साल 30 ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम 35 ले लो कोई दिक्कत नहीं, मान लो 35 विधायक का चुनाव लड़ने के लिए बराबर 35। तो अभी वो उस व्यक्ति को 35 तक संस्कार कहेगा था गाली देने का, कपड़ा पहनने का खराब और वो सब गलत हरकत करने का बराबर है। ये 35 साल का संस्कार कितने घंटों में छूटेगा, कितने महीने में छूटेगा? टिकट मिलते ही, आप तो एक कदम आगे बढ़ गए, टिकट मिलते ही। मैं तो ये कह रहा हूँ टिकट मिलने की गजब हो गया। अरे वो क्या कमाल, हाँ ये मुझे कहना है, ऐसे पांच पाप अमिच्छाद एक क्षण में छूटते हैं, ये पुरुषार्थ है। अरे मैं भगवान हूँ, मैं भगवान बनने निकला हूँ, कल मैं मोक्ष मार्ग का नेता होऊंगा, नेता समझते हैं मोक्ष मार्ग से नेता रहूं, हाँ मैं मोक्ष मार्ग का नेता, नेता समझते हो जिसको लीड करना है मोक्ष मार्ग, बताओ उसका आचरण कैसा होगा, खान पान कैसा होगा, सोच कैसी होगी, सोचो सोचो। इसलिए ये सदी वैर साइकोलॉजी है, तुम भगवान हो, ये सुनते से जिसको नफरत ना हो, चिड़चिड़ाहट ना हो, जब देखो जब ये मरे जा रहे भगवान भगवान के, अपन तो इंसान बन जाए ये ही बहुत है। हम कह रहे भैया इंसान तो तुम हो ही वो तो तुम पहले इतना पुण्य करके आए हो, निगोह से निकल के आए हो, चार गति से निकल के आए हो, इतना पुरुषार्थ तो तुम्हारा हो गया और जैन कुल में आ गए, ये तुम्हारा पुरुषार्थ हो चुका पहले। अब आगे बात करो, आगे आप तो भगवान भगवान कह रहे हो, हमें अभी भी नहीं समझ में आ रहा। ध्यान रखना जब तक भगवान समझ में नहीं आएगा विशुद्धि लब्धि नहीं होगी। सम्यक दर्शन करने के लिए पांच योग्यताएं चाहिए, सबसे पहले समझने की ताकत होनी चाहिए, फिर समझने की जिज्ञासा होना चाहिए, मंद कसा है, समझ में आ रही है? तो मैं दो तीन हेतुओं से समझाता हूँ आपको, जिनको जिनागम का स्वाध्याय हो तो वो समझेंगे इस बात को। मंद कसा का मतलब है समझने की जिज्ञासा, वही तो कह रहा हूँ, वो मंदकसाय नहीं, वो तो मैं पहले ही मना कर दिया, पूजा पाठ भक्ति व्रत तप उसके नाम मंदकसाय नहीं बोला मैंने, उसका नाम मंदकसाय नहीं है। आपको एक सरल दृष्टांत देता हूँ, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे सड़क पर जो गरीबों की सेवा करने चले जाएंगे, परोपकार करने चले जाएंगे, जाने बहुत कुछ कर देंगे, लेकिन अपने माता पिता की सेवा का नंबर आता है तब नफरत करेगी। ऐसी बहुरानी मिल सकती बॉम्बे वगैरह में, यहाँ तो अच्छी है बहुरानियाँ, लेकिन हाँ बॉम्बे में ऐसी मिल जाएगी, मतलब क्लब बना लेती है, क्या करती है वो बहुएं सब क्लब बना लेती है, तो उसमें क्या करना चाहिए, तो भाषणबाजी करेंगी, अपनी सास की सेवा करना चाहिए, वो बहुत अपने को पुण्य लगता है, अपने को सबकी सेवा करना चाहिए, तो गली गली में जाएंगी, मोहल्ले में जाएंगी, फल बांटेंगी, सेवा करेंगी, और जैसी सास के सामने आएंगी आपकी गलती गलती नहीं गति कब सुधरेगी, समझ में आया कि नहीं आया है? आ गया मैंने मेरे से रियली पूछा, लोगों ने मेरे से पूछा, पंडित जी साहब हमें तो अपनी सासू पे बहुत दया आती है, बस एक ही भावना है कि गति जल्दी सुधर जाए, तुम्हें गति जल्दी सुधर जाए तो आप एक काम करो, मंदिर में पूजा बंद करके ना यही पूजा किया कर, आप जो और काम में टाइम लगाते हैं ना वो टाइम इनको दो, इनको पीठ पर हाथ रखो, एक बार मुस्कुरा के देखना सीखो, अच्छे से बात करना सीखो, आप इनको भगवान देखो, तुम्हारी पूजा सबसे अच्छी हो जाएगी। पंडित जी कब तक करें? 5 साल हो गए, 5 साल, 5 साल मल्टीप्लाई 365 दिन, पंडित जी आके बर्दाश्ती की भी मुझे तो इसलिए दृष्टांत दिया कि इसका मतलब विशुद्धि लब्धि नहीं है, ये विशुद्धि लब्धि नहीं है बराबर। फिर से वापस, तो तुम कितना आचरण करते हो इसका नाम विशुद्धि लब्धि नहीं है, जो काम करना है उस पर आपका इंटरेस्ट है कि नहीं? अब फिर से कहता हूं, भगवान सुनकर आप प्रसन्न नहीं हो सकते, आप में विशुद्धि लब्धि नहीं है, बोलो। मेरे को ऐसे लोग बहुत मिलते हैं नाराज होने वाले, कहां भगवान भगवान कहते हो आप, तो मैं उनको बड़े प्रेम से समझाता हूं कि देखो भाई यदि आप कहो तो मैं आज से भगवान नहीं कहूंगा, तो आप क्या सुनना पसंद करोगे, मैं वो ही कहूंगा, आप बता दो, तो मैं बोलूं, मैंने कहा आपको जो अच्छा लगे ना तो आप
प्रसन्न रहना, तुम जैसा पापी दूसरा नहीं होगा। तुमने बहुत पाप किए, अब एक एक पाप की लिस्ट सुनाऊं क्यों? तुमने बहुत हिंसा की है, बहुत झूठ किया है, बहुत चोरी की है, तुमने परिस्थितियों को बहुत देखा है, तुम्हारे मन में बहुत कुटिलता है, तुम जैसा पापी दूसरा ना कोई। क्यों? अब सुनना है, बोले तुम्हें पानी छाने तक का ठिकाना नहीं है, तुम्हारी तीर्थ यात्रा में जाके तुम पिकनिक करते हो, ऐसा में तुम ऐसा करते हो, पैसे में गोरख धंधा करते हो, नंबर दो नंबर तीन। बोले सुनोगे आप भरी सभा में? सुनो नहीं सुन पाओगे, आओगे भी नहीं। क्यों? हम तुम्हारी बुराई करें, एक एक को खड़ा कर कर भी हर्ष क्या होगा? बोले यदि बुराई करे तो क्या होगा? बोले आओगे? कभी नहीं आओगे। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो मैं आपकी बुराई करूं या प्रशंसा करूं? इसलिए सुनो, जिनवाणी दी व्यस्त है, ये आपको दुनिया का सबसे बढ़िया सेंटेंस बोलती है, तुम भगवान। अब देखो, अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया, मुझे पता है, मैं इससे 30-20 स्टेप की चर्चा करता हूं, विशुद्धि लब्धि के लिए 30 स्टेप। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। धन्य नींद आ रही तकिया तुम नहीं तो मैं तो ध्यान से सुन, इधर क्यों नहीं मुझे देखना, हीरो तो मैं हूं। कोई बात नहीं, तो जरा देखो ध्यान से सुनो। तीसरी बात, छोटा सा बच्चे का दृष्टांत देता हूं, छोटे से बच्चे का दृष्टांत। बहुत छोटा बच्चा है और मम्मी मंदिर गई तो उसने पोटी कर ली, तो पोटी कर ली और उसमें लिपट भी गया एक्सरसाइज करने के कारण, और हाथ पैर भी भिड़ गए, चेहरा भी भिड़ गया, आगे भी भिड़ा है, उससे आगे अपन बोलेंगे नहीं। चलो मैं आपसे एक बात कहता हूँ, ये बच्चा खराब है कि अच्छा है? बोल जल्दी, अब तेरे दिमाग लगना चाहिए। जल्दी बोलो एक। हाँ अच्छा, इस सिद्ध का जवाब जोरदार है। क्यों अच्छा है? क्योंकि उसकी गलती नहीं, उसको नहीं सिखाया गया कि क्या। अच्छा, सिखा सकते हो आप इतने छोटे बच्चे को? अभी उसकी इतनी छोसम लग दी नहीं, मतलब समझने के लायक नहीं। अभी ध्यान से सुनना, ये बच्चा बदबू भी आ रही है, गंदा भी कर लिया है, लिपट भी गया है, लेकिन माँ कह रही है ये बच्चा गंदा नहीं है। ये बच्चा भी क्या बोला था सीधा? वो बच्चे गंदा नहीं है। पॉइंट नोट किया जाए, जो गंदगी दूर हो जाती है उसे गंदा नहीं कहते। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा में से मोह राग द्वेष दूर हो सकता है, इसलिए उसे गंदा नहीं कहते, उसे भिखारी नहीं कहते, उसे भगवान कहते। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको अशुद्ध सोना दूँ तो लोगे कि नहीं लोगे? हर फ्री ऑफ चार्ज दे रहा हूँ अशुद्ध सोना। अशुद्ध सोना समझ गए? नकली नहीं कह रहा हूँ। एक तो बेंटेक्स वाला है, बेंटेक्स वाला नहीं, 1 किलो सोना है, उसमें 10-16 चांदी है और 5-16 तांबा है, ऐसे मिक्स करके वो एक गहना बनाया, एक ईट है समझ लो, वो हम आपको दे रहे, तो आप नहीं लोगे ना? क्यों ले लोगे? वो तो अशुद्ध है। बोल जोरदार उत्तर, सिद्ध बोल जी। क्यों? अच्छा जवाब दो जो मैंने दिया था। क्योंकि उसकी अशुद्धता दूर की जा सकती है, इसलिए वो अशुद्ध सोना कहने पर भी वो वैल्यूएबल है। सुनो, ऐसी प्रत्येक आत्मा में से मोह राग द्वेष का विकार दूर हो सकता है, द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म दूर हो सकते हैं, और आप भी अरहंत सिद्ध बन सकते हो, इसलिए हम तुम्हें भगवान कह के पुकारते हैं। मैं तो सच कहता हूँ, आपने को तो नाचना चाहिए, बैंड बाजा बजा के, ओ 3 लोग के नाथ मुझे भगवान कह के बुलाती है। स्वामी जी ऐसे बोलते थे, बहुत मधुर लगता था, बहुत मधुर लगता था। बोलू उनकी भाषा में? बोलू उसके ऊपर भी एक भक्ति लिखी, अभय कुमार जी ने एक भक्ति लिखी, वो भक्ति सुनोगे? सुना? विदेह क्षेत्र में सीमंधर देवा, समोसरण में अरहंत भगवान, विदेह क्षेत्र में सीमंधर देवा, भगवान कहीं ने बुलाए रहे रे। क्या क्या कौन बुला रहे? तुम्हें क्या कह के बुला रहे? पापी, इसमें मजा नहीं आना चाहिए। हर्ष आनंद आएगा? हाँ, ये मुझे कहना है। हर्ष, मैं अभी दिल्ली गया था, राष्ट्रपति मिलती कोविंद थे ना, कोविंद रामनाथ कोविंद, हाँ वो मेरे से मिले,
वो उस समय बोल रहे थे आप विजयवाड़ा जाओ तो हर्ष को बोलना आई लाइक सो मच वांट ए स्टूडेंट वांट ए चाइल्ड वांट ए यंगर ब्लड ओहो वो तो प्राउड करने लायक है जैन धर्म जय गजब है धर्म है उसके मम्मी पापा ऐसी बात मैं बताऊं और कंफर्म करा दूं तो तेरे को मजा नहीं आएगा। अब मैं तुमको कंफर्म करा रहा हूँ ये ग्रंथ लिखा है इसमें शरीर का बाई नेम नहीं लिखा है आत्मा लिखा है आत्मा शरीर का बाई नेम नहीं लिखा है तुम आत्मा हो और आत्मा के लिए लिखा है तुम्हें परमात्मा छो भावी ना भगवान छो भावी ना भगवान समझ गए गुजराती भावी भावी ना भगवान माने भविष्य के भगवान हो कभी महावीर भगवान हमारी तरह नहीं थे कंफर्म और आज वो भगवान बन गए तो हम भविष्य में भगवान नहीं बन सकते पक्का मजा आ गया खत्म अब बोले डॉक्टर बनना कि भगवान बनना है बोले डॉक्टर बनने में क्या रखा है मुझे डॉक्टर बनना इतना बुरा लगता है इंजीनियर बनना बहुत बुरा लगता है सीए बनना बहुत बुरा लगता है क्योंकि डेथ हुई और सारी विद्याएं यहीं खत्म और ये धर्म ऐसा है इसको ज्ञान जिसको हो जाए आत्मा का ज्ञान शास्त्रों का ज्ञान वो ज्ञान साथ में जाता ही नहीं है मल्टीपल होके जाता है मल्टीपल समझ गए कब तक रहेगा वो केवल ज्ञान हमारे पास लाइफ लॉन्ग मानी इस लाइफ लॉन्ग हाँ वेरी गुड सिद्ध का जवाब एकदम सही आत्मा के लाइफ लॉन्ग माने अनंत काल वो अब बता भाई अनंत काल से डॉक्टर बन सकते हैं एक डॉक्टर मर के बंदर हो जाए तो आपने कभी देखा है बंदर बंदरों का इलाज करता है बिकॉज क्योंकि पूर्व हमें वो बहुत बड़ा MD था क्यों ऐसा होता है मैंने एक भी बंदर इलाज करता नहीं मिलेगा आपको ऐसे और सब लगा लेना कोई मिले लेकिन एक कमाल ऐसा है ये आत्मज्ञान होने के बाद कभी मिटता घटता नहीं अभी हम आपसे फिर पूछ रहे जो विकार दूर हो सकता है उसे हम भगवान कहें कि नहीं कहें यदि अभी भी आप नहीं मानोगे मेरी बात मैं तत्वार सूत्र पढ़ाऊंगा तत्वार सूत्र पढ़ा है आपने पहला चैप्टर बहुत लोगों ने पढ़ा होगा महिलाओं ने तो पढ़ा होगा चेहरे मुस्कुरा रहे पुरुषों में से भी पढ़े होंगे 10-5 दिख रहे हैं थोड़े बहुत चेहरे नहीं भी पढ़ा तो मैं पढ़ा देता हूँ एक सूत्र बहुत सिंपल है आपको पता है एक नाम है उसमें नैगम नय नाम सुना है नैगम नय नैगम नय आपने नाम नहीं सुना तो तुम्हारी मम्मी से पूछना उन्होंने पहले चैप्टर में एक शब्द पढ़ा हुआ नैगम आदि संग्रह याद है किसी को सूत्र नैगम संग्रह ऋजु सूत्र हाँ है हाँ तो उसमें एक नैगम नय नाम है नैगम नय मैं उसका अर्थ करता हूँ सुनना सभी लोग नैगम नय का मतलब होता है भावी नैगम नय मैंने वर्तमान में कोई लड़का है वो भविष्य में कलेक्टर बनेगा तो वर्तमान उसको कलेक्टर कह के पुकारना जैसे आपको याद होना चाहिए अच्छी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने में तो 3 दिन बाद हुई थी शपथ उसके पहले क्या करते हैं बहुमत में जीत जाते हैं तो राष्ट्रपति के पास जाते हैं सबको पता होगा वहां आप लोगों को बताते हैं सब हमारा इतना हुआ आपको पता है किसी को अभी उसने प्रधानमंत्री की शपथ नहीं ली है लेकिन जब राष्ट्रपति भवन से रिटर्न होते हैं ना उसी समय से उनको प्रधानमंत्री की सुरक्षा मिल जाती है उसी समय से बॉडी गार्ड वगैरह वो SPG जो लगती है ना पूरी वो पहले से लग जाती है कि हाँ सिक्योरिटी वो 3 दिन बाद शपथ विधि होगी लेकिन सब लोग उसको प्रधानमंत्री पहले से बोलने लगते हैं MBBS करने वाला विद्यार्थी है कि डॉक्टर है विद्यार्थी है लेकिन उसे डॉक्टर कहने लगती है राजकुमार को राजा साहब कहने लगते हैं अरे दुकान पर इतना सा बच्चा बैठे हो ना तेरी कपड़े की काई दुकान तेरी इलेक्ट्रिक की तो कभी तुम दुकान बैठते हो तो आपको पता है जब ग्राहक लोग आते तो आपको भी सेठ जी बोलते हैं सेठ जी आप तो सेठ हो नहीं। कि पापा सेठ है सेठ पापा है लेकिन इसको सेठ जी बोलते हैं लोग अब उनसे पूछो क्यों इस सेठ है कि बच्चा है इसके नाम पर ना तो अकाउंट है ना इसके नाम पर दुकान है ना इसके नाम पर PNR है ना इसके नाम पर GST है इसके नाम पर कुछ नहीं है तो मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ ये आपको कंगाल दिख रहा है कि राजा दिख रहा है सेठ दिख रहा है तेरे अकाउंट है बैंक में अकाउंट है नहीं है कोई कैश तेरे नाम पर चेक बुक
नहीं थोड़ा कोई शेयर मार्केट का शेयर, बेचारा कितना गरीब है ना, पुअर है पंडित जी, इंसल्ट नहीं करो, मारू छोकरो है, छोकरा है हमारा सेठ है। ये कैसे बोलता है पता है आपको, इसको कहते हैं जो भविष्य का सेठ होने वाले को वर्तमान में सेठ कहना, ऐसे आचार्य देव कहते जो भविष्य में सिद्ध होने वाला उसको वर्तमान में सिद्ध कहना, ये तत्पाठ सूत्र का पहला चैप्टर है, ये है नैगम नय। अब बोलो भाई हम तुमको क्या कह के पुकारे, आप कहो तो मैं बदल सकता हूँ, आज से मैं कहूँ हे नारकी जी, आप बोलो मैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप नरक जाने वाले, तो मैं बोलूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप किस टारगेट से आए मंदिर में, बोलो नरक जाने के लिए, तो मैं नारकी बोलूंगा मुझे कोई दिक्कत, त्रियांश में जाना तो आप ही से बोलूंगा हे नागराज, आप क्रोध बहुत करते हो तो मैं नागराज बोल दूंगा, बोलो बोलो आप सिलेक्ट करके दे तो मैं वही बोलूंगा चलो, और नहीं तो मैं दी बेस्ट बोलूंगा, भले ही तू देर से मोक्ष जा लेकिन तू मोक्ष जाएगा तो हम तेरे को अभी से भगवान कहेंगे। ये जैन दर्शन का प्राण है भैया, मैं फिर कहता हूँ जिस दिन तुमको ये समझ में आएगा ना उस दिन विशुद्धि लब्धि होगी, जिस दिन तुम्हें सुनते से रस आएगा वो गजब, स्वामी जी ऐसे कहते थे कान ही पढ़ना दुर्लभ है, नहीं समझ में आया, कान में पढ़ना समझ गए, बोलो भाई तुम करोड़ों रुपए कमा के पत्नी को दे दो, पत्नी तुमको भगवान कहती कभी, हे भगवान कभी नहीं बोलती, आप कुंटल भर सोना दे दो तो भी कहेगी, सब कुछ कह देगी बाकी सब लेकिन ऐसे नहीं कहेगी हे आर्य पुरुष हे प्राणनाथ, ऐसे नहीं बोलेगी, वो जो बोलेगी और सब बोल देगी, काय के लिए बोलेगी वो आप समझते हो लेकिन ऐसा कोई तुम्हें भगवान कह के बुलाने वाला नहीं, एक भीतरागी शासन ऐसा जो तुम्हें भगवान कह के बुला, इसे तो नाचना चाहिए। अभी एक बच्चा मुझे मिला, बहुत अच्छा बच्चा है, तो उसकी शिकायत लेकर आई उसके टीचर, हॉस्टल के वार्डन शिकायत लेकर, ये पढ़ता नहीं है, खेलता रहता है, बहुत खराब है, तूफानी है, शैतान है, ऐसे ऐसे। तो जैसे वो बच्चा आया ना मेरे पास लेके आया उसको कंप्लेंट, तो मैं उस बच्चे को देखता ही रह गया उसको, इधर आ इधर आ, उसके बाल उठा के ऐसे देखा, आंखों में ऐसे देखा, ऐसे देखो तू तो दो भाव में भगवान बनने वाला है, ये तो बहुत महान काम करने वाला महापुरुष है, और ऐसा कहकर छोड़ दिया। वो बच्चा तो खुश खुश हो गया एकदम, उसको वो बार बार फ्लैश बैक में वही आवाज आ रही मेरी पंडित जी ने मुझे देखा, उन्होंने कहा मैं चमत्कारी आत्मा हूँ, मैं महापुरुष हूँ, दो भाव में मोक्ष जाने वाला हूँ, वो तो गदगद हो गया, नहीं उसका काम ही हो गया। आज वो बच्चा बहुत जोरदार है। एक बार आप रियली, मैंने अभी कोविंद का नाम लिया ना, यदि सही में कोई देवता प्रकट हो जाए और वह कहे मैं विदेश क्षेत्र से आया हूँ, वहाँ आपका नाम लिया जा रहा था इसलिए मैं आपको बताने आया, आपको खुशी नहीं हुई? सुना शरीर का नाम हर्ष रखा है, क्योंकि आत्मा हो तुम, जो जो आत्मा है। पॉइंट नंबर वन फिर से बोल रहा हूँ, क्या कहा मैंने, जो जो आत्मा है, रुक गया मैं बोलने में, दूसरी बात और सुना, और जो जो अपने को आत्मा समझते हैं वे सब भविष्य के भगवान है। तुम्हें इतना सा काम करना है, क्या काम करना है, आत्मा तो तुम हो, बट यू हैव टू एक्सेप्ट ओनली आत्मा, तुम अपने को आत्मा स्वीकार करो, वे सब भविष्य के भगवान हैं। बोलो तुम्हें खुशी नहीं होनी चाहिए, हैं? क्यों भगवान बन जाए, अब बोलो ये कितनी खुशी की बात है। अभी कोई डॉक्टर बनने का बोले इतने में तो बच्चा खुश हो जाता है, अभी किसी लड़के को देख के कहते तो फिल्मी हीरो बनेगा पक्का, तेरी पिक्चर बहुत सुपर डुपर जाएगी, वो तो इतना खुश हो जाएगा पंडित जी आपने मुझे हीरो कहा, अरे लेकिन मैंने तो तुझे क्या कहा, भगवान। तो आप समझ में आ गई, दो पॉइंट हो गए, समझने की शक्ति होना चाहिए कि आत्मा समझ सको आप, फिर आत्मा समझने में इंटरेस्ट मंद कसा, इसका नाम है कि आपको आत्मा समझने की दरकार क्या बोलते हो, ऐसा लगता है बस आप बताइए ना हमें वो भगवान आत्मा की बात, वो भजन में गाती ना, वो जिनमानी स्तुति कल परसों गाया था,
मन आत्मा नी बात घनी प्यारी लागे, घनी प्यारी लागे। चलो आगे चले, चलो आगे चल। अब दो पॉइंट हो गए, दो पॉइंट कौन कौन से हो गए? तात्पर्य है कि आत्मा की समझने की योग्य बुद्धि हो, नंबर दो कसाय मंद हो, और नंबर तीन आत्मा की तीव्र रुचि हो, और आत्मज्ञानी गुरु के प्रति बहुमान का भाव हो। आत्मज्ञानी गुरुओं के प्रति बहुमान का भाव, उसमें बताया था मेरा टकटकी लगा के देख रहा है, आप क्या कह रहे हो? स्वस्ति का मतलब हम तो नहीं समझे, स्वस्ति का मतलब ऐसे देख रहे जिज्ञासा। तो उसने कहा सुनो, स्वस्ति का मतलब है तेरा अविनाशी कल्याण हो। संस्कृत में स्वस्ति का मतलब होता है तेरा अविनाशी कल्याण हो। अविनाशी समझ गए? अविनाशी का मतलब हाँ, तेरे कल्याण का कभी नाश ना हो, तेरे सुख का कभी नाश ना हो, तेरे आनंद में कभी कमी नहीं आए। ओहो, इसलिए तेरे को स्वस्ति कहा। अब बता, अपने को स्वस्ति का अर्थ ही नहीं मालूम। आचार्य हमको स्वस्ति बोल रहे, महावीर भगवान हमको स्वस्ति बोल रहे, हमें स्वस्ति का अर्थ ही नहीं मालूम। वे तो कह रहे तेरा अविनाशी कल्याण हो, तो उसमें लिखा है। तब उसकी आंखें भर आती हैं, उसके आंखों से अश्रु पास हो जाता है। ओहो, मुझे कोई पहली बार एक सुख का मार्ग बताने वाला मिला। तो ऐसे तो बहुमान आत्मज्ञानी गुरुओं के प्रति पॉइंट 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 आत्मज्ञानी, ए ज्ञानी नहीं कह रहे, केवल गुरु नहीं कह रहे, इंटेलिजेंट लोग बहुत मिल जाएंगे आपको, वो नहीं कह रहे, बहुत शास्त्रों के रटने वाले मिल जाएंगे, प्रवाचक मिल जाएंगे, बताने वाले मिल जाएंगे, गुणस्थान मार्गस्थान पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, सारी तीन लोक की रचना बताने वाले मिल जाएंगे, बढ़िया मधुर भाषा से करोड़ों लोगों को आकर्षित करने वाले मिल जाएंगे, उसका नाम नहीं लिया, ज्ञानी नहीं लिया। और लोगों ने जिसको गुरु कहा वो गुरु नहीं कहा, गुरु बहुत है। एक बहुत बड़ा विशेषण लगाया, कौन सा? आत्मज्ञानी। इसके लिए दृष्टांत दिया है जिनागम में, बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है। एक व्यक्ति को रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता पूछना था, तो उसने अंधे बहरे आदमी से पूछा। किससे पूछा? तो वो यदि रास्ता बता दी तो आप जाओगे नहीं जाओगे? क्यों? हाँ, सुन नहीं सकता, नंबर दो देख नहीं सकता, वो कैसे बताएगा आपको कहाँ जाना है? ऐसे जो आत्मा को नहीं जानता वो आत्मा का मार्ग नहीं बता सकता। मुझे कहने में जितनी गंभीरता लग रही है आप कितना समझेंगे, मैं नहीं समझता हूँ, बहुत सोचना आप। जो आत्मा का अनुभव नहीं करता वो आत्मा के अनुभव की मार्ग नहीं बताएगा, वो आपको सब बता देगा। भगवान की महिमा करना चाहिए, गुणस्थान होता है, समोसरण, ओ हो हो समोसरण, आ हा हा, अरे कमाल हो गया, इतने करोड़ों इंद्र देवी देवता, ओ हो हो क्या मधुर दृश्य, कहीं भी वर्णन कर सकता है। लेकिन एक आत्मज्ञानी ही आत्मज्ञान की बात बताएगा, वह कोई नहीं बताएगा। समझ में आ रही बात? बहुत बड़ी बात है। आत्मज्ञानी ही आत्मज्ञान का रास्ता बताएगा। तो आत्मज्ञानियों के प्रति आदर हो, आदर का मतलब समझते हो? आत्मज्ञानी गुरुओं के प्रति बहुमान का भाव, बहुमान का भाव मतलब समझे? इसमें डेवोशन छिपा हुआ है, डेवोशन। मैं सरल भाषा में कहूँ, आपको हार्ट अटैक का ऑपरेशन कराना है तो आप किडनी के डॉक्टर के पास जाओगे कि ईएनटी के पास जाओगे? बोलो भाई, बोल, तेरा नाम क्या है? विनय। हाँ, एक बार पूछ चुका ना विनय, ये बोलो आपको हार्ट का ऑपरेशन कराना है तो सस्ते डॉक्टर के पास जाओगे कि महंगे डॉक्टर के पास? क्यों महंगे डॉक्टर? तो बोलो कौन के पास जाओ, बोलो भाई। सस्ता महंगे से हमें कोई मतलब नहीं है, पॉइंट, हमें सस्ते महंगे से मतलब नहीं है। हार्ट का डॉक्टर, हड्डियों का डॉक्टर बहुत सस्ता हो हमें कोई काम का नहीं, आंखों का डॉक्टर बहुत सस्ता हो हमें कोई काम का नहीं, हमें तो हार्ट का डॉक्टर चाहिए। पॉइंट पकड़ो, पॉइंट पकड़ में आ रहे? डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हार्ट का डॉक्टर। चलो अब मैं हार्ट के डॉक्टर के पास ले गए तुम्हें, बराबर। आपने झोला छाप डॉक्टर को बताया था, वो कह रहा था कुछ नहीं सब खाओ, बस मेरी दवाई खाओ, सस्ती दवाई दूंगा, चिंता नहीं करना, जितना आप पैसा लाए उतने पैसे की सच्ची सस्ती दवाई दूंगा।
बोलो आप उसकी दवाई लेना पसंद करोगे, वो आपको पूरा रिलैक्स कर रहा है, आप एक्सरसाइज नहीं करना, लाइफ स्टाइल मत बदलना, आपको जो खाना हो घी शक्कर तेल हलवा और खा लेना 6 महीने और मेरी दवाई खा, तो आप उसके पास इलाज कराओगे जो सारी सुविधा दे रहा है। और वो जो हार्ट का डॉक्टर वो आपसे बोलता है सुनो आप नमक नहीं खाएंगे, जो मुझे पता नहीं शक्कर नहीं खाएंगे या क्या क्या घी नहीं खाएंगे, सबसे पहले घी मार रहे हैं, घी नहीं खिलाते, तो घी नहीं खाओगे, और सुनो 4 बजे उठोगे सुबह, 1 घंटा ऐसा करोगे, दौड़ने जाओगे, एक्सरसाइज करोगे, और तुमको ऐसा नहीं करना, ऐसे खाना, मतलब बहुत सारी डू एंड डोंट्स बहुत सारा बता दी। अब बोलो बेटे ये डॉक्टर अच्छा है ना, सस्ता भी है, ओके भी रहे, हलवा खाओ, ये डॉक्टर तो प्राण लेगा बता दो, ये तो ऐसा कह रहे ये नहीं खाना, ये खाना नहीं खाना, ये नहीं करना, इतनी एक्सरसाइज करना, पसीना बहाना, बस ना एसी नहीं चलाना, भला नहीं करना, अब तो मर जाएंगे। बोलो आपको दोनों में कौन से डॉक्टर पास जाओगे, कि जो हार्ट का डॉक्टर है हम उसकी बात पर डेवोट हो जाएंगे, डेवोशन कर देंगे, वो जो बोलेगा वो करेंगे, ओके। सुनो जीवन में यदि आत्मज्ञानी गुरु मिल जाए तो वो जो बोले हम करेंगे। जल्दी बोल गए, आपको समझ में आया कुछ, क्या बोला मैंने, जो बोलेगा वो करेंगे। थोड़ा दृष्टांत देके बोलता हूँ, मेरी दृष्टांत देने की आदत है बच्चों के बीच में, सिद्ध को समझ में आ जाएगा। धन को आज थोड़ी सर्दी हो रही को इसलिए परेशान हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी मेरे से बाद में मिलना। तभी सुनना सिद्ध और सिद्ध का बड़ा भाई, सुनना जी वीर 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 अच्छी जो भी नाम है बाद बता देना। चलो तो अभी मैं जो सुना रहा हूँ वो सुनो, मैं भी आज सबको कहूँ ना, आज आप त्याग लो किसी चीज का, त्याग किसी चीज का त्याग, कि आज हम शक्कर नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ तो आपको फौरन ऐसा लगे भैया हम नहीं आएंगे प्रवचन में, आज हमने शक्कर ही छुड़ा दी, तो अगले दिन आएंगे तो घी छुड़ा देंगे, हमें नहीं सुनना इनका प्रवचन। लेकिन मैं सही बताओ, आत्मज्ञानी गुरु मिल जाए और वो कहेंगे नहीं जो हम कह रहे वो करो तुम्हें मोक्ष होगा, सम्यक दर्शन होगा, तो कायदा तो ये बनता है कि जैसे जैसे, अब पहले दृष्टांत दे देता हूँ, जैसे डॉक्टर आपसे कह रहा है तो आप एक बार में त्यागोगे वो चीज कि अनेक बार कहने पर त्यागोगे, पक्का ये कहलाता है बहुमान, ये कहलाता है आत्मज्ञानी गुरुओं का बहुमान। फिर से बोलता हूँ, यदि मैं आपसे बोलूँ ना कि आप अमुक चीज का त्याग करो तो आप मेरे पास एक पहली बार तो मना कर दोगे, फिर मना नहीं करोगे तो आप बोले पंडित जी एकदम थोड़ी छूटता है, मेरे संस्कार है, क्या बोलते हैं हैबिट है, क्या बोलते हो आई एम हैबिचुअल, एक दिन में थोड़ी छोड़ेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, ओके। अभी मैं वापस चलता हूँ डॉक्टर के पास, आप क्या कहलाता हो तम्बाकू खाते खाते आपको कैंसर हो गया, अब डॉक्टर कहता भैया घर जाओ और जी भर करके तम्बाकू 1 महीना और खा लो, तो आप क्या करोगे, अरे वो कह रहा है खाओ, बोलो आप धीरे धीरे छोड़ोगे, बोलो तो आप मालूम क्या बोलोगे, डॉक्टर साहब यदि आपको लग रहा है कि तम्बाकू खाने से 1 महीने में मर सकता हूँ तो आप मुझे बचा लो, जो आप कहोगे मैं करूंगा, जो बोलोगे आप बोलिए प्लीज, आप मुझे मना मत करिए, मुझे बचा लीजिए, आप जितना पैसा मांगोगे इस डेबोशन पैसे का डेबोशन कर दोगे, आप बोलोगे तम्बाकू नहीं तो यस आज के बाद तम्बाकू नहीं, जेब में से निकाली पुड़िया उसी के सामने डस्टबिन में डाल दी, सिगरेट निकाला ए ले, आगे बोलो नहीं वो तुम अभी जाके फिर पीने लगोगे, भगवान कसम मेरी पत्नी की कसम मेरे बच्चों की कसम मैं नहीं पीऊं, इतना डेवोशन आ कहां से गया, यदि तुम्हें डॉक्टर का भरोसा है तो डेवोशन आ जाएगा, ऐसे आत्मज्ञानी गुरु मिलेंगे जो बोलेंगे आप करोगे। अब हमारे गुरुजी जो बात कहते थे वो मैं आपके सामने कह रहा हूं, हमें सर्वक का भरोसा नहीं है हमें अपने धर्म का भरोसा नहीं है, एक शराबी कबाबी डॉक्टर का भरोसा है, एक मिथ्या दृष्टि का भरोसा है, लेकिन एक ज्ञानी संतों का भरोसा नहीं आता क्यों नहीं आता इस पे तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा,
इस पर तो अभी ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं उन ज्ञानी संतों के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूँ। ध्यान से सुनो, ज्ञानी संत तेरे भोग नहीं छुड़ाते हैं। हमको ये डर लगता है वो हमारा भोग छुड़ाते हैं, खाना पीना छोड़ा देंगे, कपड़े छोड़ा देंगे, स्वर्ण सो छोड़ा देंगे, हमारी खुशियां छोड़ा लेंगे, हमारे फैशन और पैशन को छोड़ा लेंगे। नहीं नहीं, वो तेरे फैशन और पैशन को बदल देंगे। डायरेक्शन चेंज होना है और कुछ नहीं होना है। मैंने कहा था आपको, याद है कुछ, तुम में ताकत हो तो 6 महीने शादी करो, हमें कोई आपत्ति नहीं। तुम में ताकत हो तो 6 खंड को जीत जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड को जीता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, भरत चक्रवर्ती ने एक भी लव अफेयर नहीं किया था, इंटरकास्ट मैरिज नहीं की थी। वो इंटरकास्ट माने वैसी किडनैप वाली, किडनैप करके शादी नहीं की थी। उन्होंने परंपराओं का पालन किया था। आप परंपरा नहीं तोड़ना, जाओ शादी कर। सुनो, उन्होंने 6 खंड जीते थे, लेकिन अय्याशी के लिए नहीं जीते थे। उन्होंने जैन शासन की सेवा और प्रभावना के लिए जीते थे, जगत के कल्याण के लिए किया था उन्होंने। सुनो, तुम भी अभी तुम कमा सकते हो, जीत सकते हो, तो जाओ जीतो। कभी किसी पर अन्याय नहीं करना, शोषण नहीं करना, बस तो तुम भी करो जाओ। आप कितना खा सकते हो, आप चक्रवर्ती का एक कौर नहीं खा पाओगे। जितना गरिष्ठ भोजन चक्रवर्ती का होता है वो आप नहीं खा पाओगे। आप भी खा सकते हो तो जाओ खाओ, लेकिन चोरी का माल नहीं खाना, रात्रि में नहीं खाना, भ्रष्टाचार का नहीं खाना, अपने भाई को दुखी करके नहीं खाना, अपने बाप की संपत्ति छीन के नहीं खाना। बहुत बड़े बड़े शब्द कह दिए करो ना, ये मर्दानगी है। त्याग तो पौरुष है ही, लेकिन जैन शासन का योग मार्ग, भोग मार्ग भी बहुत पौरुष है। जल्दी बोलिए, कुछ फिर से बोलिए। सबको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती है, ऐसी कैसी बातें कर रहे हो आप? आपको तो ये कहना चाहिए त्याग करो। नहीं नहीं, पहले भोग कर। बोलू थोड़ा नाराज नहीं होगी? जो सम्यक भोग नहीं कर सकते वो सम्यक त्याग भी नहीं कर सकते। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? हाँ, बहुत ताकत लगेगी बेटे। मैंने अपनी डायरी में लिखा है 92 में, विवाह करना ब्रह्मचारी की तुलना में असंख्यात गुना पुरुषार्थ है। असंख्यात गुना पुरुषार्थ है भाई साहब। कितना झेलना पड़ता है जब शादी होती है, ऐसी नहीं हो जाती सड़क छाप। सड़क छाप शादी को मैं शादी नहीं कहता हूँ, जैन संस्कृति की गरिमा का निर्वाह करने में पसीना आएगा आपको। आप विवाह करें, रात्रि भोजन नहीं करें, आपको पसीना बहाना पड़ेगा। आप बाजार में नहीं खाएं, चाय जैसा नहीं खाएं, अन्याय अनीति का नहीं खाएं, और जो जो लिखा है ना पढ़ लेना आप। वो भोग मार्ग भी मर्यादित है। व्यापार करो, आप कितनी ताकत है जरूर करो, लेकिन ध्यान रखना एक पैसे का टैक्स नहीं चुराना। चलो इतनी दूर मत जाओ, मैं पास में ही लाता हूँ आपको, फिर 2 पॉइंट और रह जाएंगे, इसलिए 2 भी सुनाता हूँ। सुनाओ, बोलो। नींद तो नहीं आ रही ना किसी को? आ भी नहीं सकती, थोड़ा खतरनाक पॉइंट है। तेरे को आ रही है तो इसको एक तकिया दे दो, तो जगना है ना तेरे को, तो मैं जगा रहा हूँ। सुन, बोलू मैं, थोड़ा नाराज नहीं हूँ ना, वैसे नाराजी दूर हो जाएगी। सुनने जैसी बात है, मैंने अपने एक्सपीरियंस देखा है, जो मैंने अभी आप बात कही ना, ब्रह्मचारी होने से भी बहुत कठिन कार्य है। क्योंकि चाय जैसी शादी करना तो उसमें दम क्या है? आज शादी हुई कल डाइवोर्स हो गया, आज शादी नहीं हो पा रही दूसरे दिन लड़ रहे पति पत्नी। कहाँ है राम जैसा है? कहाँ वो राम सीता जैसा है? कहाँ? मैं जितनी गंदी सोच के साथ शादी हो रही, उस शादी को हम शादी नहीं कहते। सुनो, हम एक बात कहते हैं आपको। एक बहू अपनी सासू का 1 क्विंटल सोना, 1 क्विंटल ज्यादा होगा, कम कर दो थोड़ा, 1 किलो सोना ही ले लो, चलो 1 किलो सोना। वो सोना जब तक सासू नहीं देने तब तक तो मम्मी 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 ऐसे मीठी मीठी बोलती, और जब सासू ने बड़े प्रेम से विश्वास करके उसे पूरी तिजोरी की चाबी दे दी, पूरा सोना चांदी दे दिया, इसके बाद सुनो, यदि उसके बाद आपको मम्मी कहते नहीं बनता है ना, तो आपको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता।
क्योंकि एक डाकू भी अपने माता पिता को नहीं लूटता, अपने सगे भाई को नहीं लूटता। आपने अपने को, तुम बहू के ऊपर सबसे बड़ा उपकार यदि दुनिया में होता है तो उसके सास ससुर का होता है, क्योंकि उसे इतना योग्य पति जो उसे पसंद है, वो सत्य व्यसन रहित है, उसकी वजह से आज वो सुखी है, उसके मुंह से बदबू नहीं आ रही शराब की, उसके मुंह से मांस खाने की बदबू नहीं आ रही, उसके मुंह से तंबाकू की बदबू नहीं आ रही है, वो सत्य व्यसन नहीं कर रहा, रोज रोज चैटिंग नहीं कर रहा, फला का गलत काम नहीं कर रहा है, अच्छा कमाता है। तो उसमें लिखा है, एक बहुत अच्छा ग्रंथ है बनिता बोधनी, पुराना ग्रंथ है बनिता बोधनी, उसमें लिखा है, हे भोली प्यारी बहुओ, यदि तुम अपने पति से संतुष्ट हो, उसके सत्य व्यसन रहित संस्कार जीवन से संतुष्ट हो, वो आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करता हो, ऐसे तमाम नहीं करता हो, आप उसे संतुष्ट हो, तो इसका पूरा का पूरा उपकार अपने सास ससुर का जानना। एक माता पिता इतने से बच्चे को बड़ा करते करते 25 साल में कितना निर्माण करने में मेहनत लगती है। माता पिता से बड़ा कोई शिल्पकार नहीं है दुनिया में। एक मूर्ति बनाने में एक दिन लग सकता है, दो दिन लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं, 5 साल लग सकते हैं, 12 साल लग सकते हैं, लेकिन तेरे लिए रेडीमेड पति तैयार करके दिया है वो 25 साल, 22 साल, 24 साल, एक एक दिन रात रात रोता है बच्चा, जब उसे कैसे कलेजे से लगाया है, कैसे उसे गाली देने पर एक थप्पड़ मारा है, कैसे उसे पुड़िया खाने से रोका है, कैसे कुसंगति से रोका है, तब तुझे इतना अच्छा पति मिला है, ऐसा लिखा है उसने। अब सुनो, एक भाई अपने सगे भाई को लूट कोई नहीं लूटता, सगे माता पिता को कोई नहीं लूटता, जो बेटा बहू अपने सास ससुर से संपत्ति तो ले लेते हैं, बसियत तो ले लेते हैं, लेकिन निर्विकल्प नहीं करते, निराकुल करके रोटियां नहीं देते, भोजन नहीं देते, भैया वृत्ति नहीं करते, प्रेम से उन्हें भगवान नहीं देखते, ऐसे जीव सम्यक दर्शन के पात्र नहीं है। मैंने खुलासा कर दिया थोड़ा सा। अब बोलो, गृहस्थ बनना कठिन है कि नहीं? बड़ी तपस्या है, अपना बच्चे को आउट ऑफ लाइन नहीं जाने देना, ये गृहस्थ जीवन की तपस्या है। अपने बच्चों को सुयोग्य बनाना, माता पिता को समाधि कराना, बच्चों को संस्कारित करना, दो तरफ की जिम्मेदारी, छोटों को बिगड़ने नहीं देना और बड़ों का जीवन सार्थक कर देना, सफल कर देना, दो जिम्मेदारी, इसका नाम है गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन ये फिल्मी छाप नहीं है। विराट कोहली शादी देखी थी तुमने अखबार में, टीवी में तो देखी हो, मोबाइल में उसी में ज्यादा आती है। एक दिन भी तुमने विराट कोहली की मम्मी पापा देखे? 200 करोड़ रुपए खर्च करे जिस लड़के ने, एक दिन भी किसी ने मम्मी पापा नहीं देखे, ऐसी कोई फोटो नहीं देखी कि विराट कोहली और उसकी मिसेज मम्मी दादा दादियों का आशीर्वाद ले रही है, ऐसी एक फोटो नहीं आई पूरे। और वे हमारी आदर्श बन जाती है, एक नहीं ऐसी सैकड़ों घटनाएं बेटे। हमारा मतलब है गृहस्थ जीवन बहुत पुरुषार्थ है, इसमें गृहस्थ जीवन में 5 अनुव्रतों का पालन बहुत पुरुषार्थ है, नित्य क्रम करना, संस्कृति बिगड़ने नहीं देना, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। ब्रह्मचारी को क्या है, अपने अकेले में खूब स्वाध्याय करो, ब्रह्म स्वरूप का आनंद करो, भोजन मिल गया खाओ पियो मजा करो, इसके बाद कोई टेंशन नहीं, नो इनकम टैक्स नो GST। देखा जाए यदि आत्मा का आनंद आता हो तो ब्रह्मचर्य सबसे सरल ही काम है, उसमें कुछ करना ही नहीं, केवल आनंद ही करना है, आपको तो दुकान भी जाना है। इसलिए मैंने लिखा है उसमें, ब्रह्मचर्य से असंख्यात गुना पुरुषार्थ का काम है योग्य ग्रस्त बनना। मैंने तो क्यों बात कही थी आपको याद है डायलॉग क्या था, वो जो सम्यक भोगी नहीं बन सकता वो सम्यक त्यागी भी नहीं बन सकता। ग्रहण गुरु की होता है। हाँ, और एक बहुत अच्छा डायलॉग है आपने सुना होगा, जो कम में सूरा सो धम में सूरा, जो कर्म मार्ग में पलायनवादी होगा वो धर्म मार्ग में भी पलायनवादी होगा। मैं इसलिए सारे काम खुद करता हूँ, तब तो मैं प्रवचन में क्या पाऊंगा, नहीं तो कहूंगा क्या सर, पानी छाने की मैं ही नहीं सही करूंगा तो आपको कैसे बोलूंगा। मैं टोटली काम करता हूँ घर गृहस्थी के, और अपने भाइयों को कहता हूँ तुम कोरे प्रवचनकार नहीं बनो, तुम भी प्रैक्टिकल करो पानी छानना, जब कर पाओगे तब बता पाओगे, और नहीं तो फिर वैसा ही होगा जैसा मिल रहा है वैसा खा लो,
हमारे यहाँ तो परंपरा चलती ना, उसमें शुद्धि बोलना पड़ती भोजन के पहले, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि। उन्होंने शुद्धि बोली, उन्होंने कहा छुट्टी, चाहे बाजार का लाभ चाहे कहीं का लाभ, छुट्टी हो गई। तुमने शुद्धि बोली तुम्हारी जिम्मेदारी। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये पलायन बाज है। यदि शंका हो जाए कि शुद्ध नहीं है तो आपके बोलने पर भी नहीं लेंगे। खैर ये तो तीन पॉइंट हुए, मुझे दो पॉइंट और लेंगे। कौन कौन से हुए याद है आपको? समझने की शक्ति माने क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि माने मंद कषाय, इसका डिटेल बताया। फिर तीसरा है देखो, आत्मज्ञानियों का बहुमान हो, आस्था हो, यथा योग विनय हो, उनसे आत्मा का स्वरूप समझने की धगश हो। थोड़ा थोड़ा सब समझा दिया इसमें। गहरी जिज्ञासा हो, पूरा पूरा प्रयास हो, तो योग गुरु के द्वारा करुणा पूर्वक व्यवहार मार्ग से समझाए जाने पर आत्मा की बात उसकी समझ में अवश्य आती है, और यदि पुरुषार्थ की उग्रता हो तो आत्मानुभव भी होता है। दो तीन शब्द और बताने थे, बता के छोड़ता हूँ, है ना। एक बार फिर बोलता हूँ, समझने की शक्ति क्षयोपशम, मंद कषाय विशुद्धि, उस समय आत्मा की बात सुनना देशना लब्धि, और देशना लब्धि समझने में चित्त का लगाना, उपयोग का लगाना, ये प्रायोगिक लब्धि। मैं फिर बोलूंगा एक बार, हालांकि टाइम चाहिए इसके लिए, नहीं तो कल बताऊंगा कोशिश करके, और नहीं तो अभी सुनना तो अभी सुना देता हूँ। प्रायोगिक लब्धि और गुरु का ध्यान से सुना शब्द और गुरु वचन का मर्म ख्याल में आते ही, मर्म शब्द नहीं, मर्म ख्याल में आते ही ज्ञान तरंगों का उछलना करण लब्धि का सूचक है। अरे आनंद आ गया, मजा आ गया, और जो गजब हो गया, आज तो ये करण लब्धि हो गया। पहली बार सुन रहे, चेहरा बता रहा, पहली बार सुन रहे, फिर से सरल दृष्टांत दे दे। अभी एक घंटा और चाहिए इस बात को समझाने के लिए, लेकिन यदि आपका भाग्य होगा तो कल समझाऊंगा फिर आपको, लेकिन नहीं समझा पाऊं तो अभी समझ लो जितना मैं समझा सकता हूं। तुम्हें सही में 1 करोड़ रुपए का खजाना मिल जाए तो कैसा लगेगा? तो जो रोम रोम में आनंद उछलता है ना, इसका नाम करण लब्धि है। समझने में उपयोग लगाना, ये प्रायोगिक लब्धि है। ये क्या कह रहे हैं हमें? भगवान कह रहे हैं। ऐसे कैसे संभव है? शरीर है, कपड़ा है, राग है, पत्नी बच्चे हैं, और ये मेरे को भगवान कह रहे हैं। क्या भगवान को ये सब होते हैं? फिर क्या क्यों रहे? अच्छा अब समझ में आया, शरीर भिन्न है, स्त्री पुत्रादि भिन्न है, कपड़ा भिन्न है, ये सब तो नश्वर है, ये सब तो संयोग है, और मैं अनादि अनंत हूँ। ओहो मैं अभी तक अपनी पहचान इससे कर रहा था, ओहो आज मालूम पड़ा मैं अनादि अनंत इससे भिन्न हूँ, अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ। ओहो मैं अपने को नहीं जानता है इसलिए अपना आनंद नहीं ले पाया, ये अलौकिक गुरु है, ये कोई अद्भुत महापुरुष है, ये आत्मज्ञानी है, जरूर मेरे आत्मा को जानते होंगे इसीलिए कह रहे हैं। यदि ये कह रहे मैं महापुरुष हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ओहो यदि ये बात सही है तो आनंद आ गया। ये समझने उपयोग लगाया, ये प्रायोगिक लब्धि और आनंद आ गया, ये करण लब्धि। करण लब्धि माने फाइनल विनर। अब जिस दिन आपको हो जाए उसी दिन समझो। मैथ कैसा लगता है? मैथ बोरिंग, ठीक है। तेरे को मैथ कैसा लगता है? अच्छा लगता है? हाँ मजा आता है। अब इसको जो मजा आता है ना, ये करण लगती है बस। जैसे बस सॉल्व करते हैं सवाल को, सॉल्व करते हैं, तुमने भी मान लो सवाल सॉल्व किया, करना तो पड़ेगा, किया, फिर अपने को डरते डरते अपन पीछे मिलाते हैं, वो आंसर होती है ना, आंसर शीट पीछे उत्तर माला, उसे मिलाया, तेरे को तो ऐसा लगता है टफ है, फिर करना तो है, ये क्या करे, टीचर का पनिशमेंट का डर, आप करते जाते करते जाते करते जाते, देखो अभी कर रहा है वो, लेकिन जब पीछे उत्तर मिलाया और एकदम एक्यूरेट, और तुम्हारे 4 फ्रेंड और कर रहे थे उनके गलत, तो तुझे कैसा उस समय कैसा लगता है जब 4 फ्रेंड का गलत हो 13 सही? अब जो ये कुछ होता है ना, ये करण लब्धि है, एकदम एक्साइटमेंट होता है, ओ गजब, ओ मैं परमेश्वर हूँ, तो मैं ही गायक हूँ, यही ध्रुव है, अरे यही अनुभूति स्वरूप है, अरे मजा आ गया, अनादिकाल से जो नहीं मिला था आज मिल गया, बस मजा आ गया।
हो चार गति का फेरा कट गया मेरा, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, मुझे करंट लग गया। समझने में जितना इंटरेस्ट लेते हैं वो समझने में, एक तो है चलो चलो अब दो दिन का प्रोग्राम और सुन लो, आते हैं भैया इतने लोग आते हैं पर कहाँ कहाँ सुने, किस किस की सुने, सुन लो चलो। ऐसे लोगों को नींद आ जाती है कि वो आते हैं लेकिन अब क्या करें, किस किस की सुने। कई लोग तो ऐसे ही सुनते, बात तो सब सही है भैया, करें तब कोई बात है, जीवन में तो आता नहीं है, अपनी श्रद्धा रखो अपन। तो फिर तेरे को विशुद्धि लब्धि वो नहीं हो, कौन सी प्रायोग लब्धि नहीं। प्रायोग लब्धि का मतलब है जो अपने उपयोग को उसमें बताऊं कैसे घुमाए। प्रायोग लब्धि एक दृष्टांत दूं, टाइम तो हो ही गया लेकिन अपनी चलती ठीक है, एक एक सामान में पार्टली अंदर रखा जाता हूँ, अपन चलेंगे उससे पहले दो सामान अभी और बाकी है ठीक है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, आत्मा सुनते से ऐसा लगना चाहिए, अब कैसा लगना चाहिए इस तुम समझो, मैं तो दृष्टांत दे रहा हूँ। यदि मैं भरी सभा में किसी को कह रहा हूँ, नाम लेके कहूँ तो थोड़ा खतरा है, नाम लेके कह दूँ मान लो ये चोर है, भरी सभा में कह दूँ और चला जाऊं, तो बाकी लोग तो थोड़ी बहुत गपशप कर करा के चले जाएंगे, उनसे तो चोर कहा नहीं, चोर तो जिसको कहा है देख करके, जिसपे जिसको कहा कि चोर है, अब उसको जो कुछ होगा ना वो प्रायोग लब्धि है, क्या हो सकता है बता सकते क्या होगा उसे, मुझे चोर क्यों कहा, मैंने किसकी चोरी करी, किसने कान भरे पंडित जी, किसने बताया मैंने कहाँ चोरी करी, और उसको वो इंसल्ट फील हो रही है, सोते उठते बैठते करवट बदलता है, मेरे को चोर बोला, मेरे को चोर, मैंने क्या चोरी की, वो जो दिमाग चल रहा है ना जे है प्रायोग लब्धि। ऐसे जब हम कह रहे हैं तुम भगवान हो, मुझे भगवान क्यों बोला, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं तो शरीर दिख रहा है, मैं तो खा पी रहा हूँ, मुझे भगवान किया कहा तो क्यों कहा, इनका तो कोई स्वार्थ नहीं है, ये मेरे से पैसा भी नहीं मांग रहे, ये मैंने इनको कभी कोई गिफ्ट भी नहीं दी, पर ये परमात्मा मुझे भगवान क्यों कह रहे। फिर उसी सी में दिमाग लगाए कि ये भी ऐसे ही थे कभी, आहा अब समझ में आया, जो आत्मा से परमात्मा बनता है उसे भगवान कह के बुलाया जाता है, हो यदि ऐसा मैं हूँ तो अरंत की दिव्य ध्वनि का पात्र हो गया, इन ज्ञानी वाणियों की ज्ञानियों की वाणी का मैं पात्र हो गया, सारी दुनिया नहीं समझ रही कि वो भगवान है लेकिन मुझे समझ में आ गया कि मैं भगवान हूँ, आज मुझे आनंद हो गया, धन्य प्रभु मेरा जीवन सफल हो गया, मुझे प्राप्त कर दी। अब जिस दिन होगा उस दिन आपको मजा आएगा, आएगा पक्की बात है, आप जिस दिन ऐसे सोचोगे ना, अभी एक तो ऐसे सोचते क्यों प्रवचन समझ में आया, हाँ समझ में आया, बहुत अच्छा प्रवचन था, क्या याद है, देखो अभी याद तो नहीं रहता लेकिन अच्छा था। तो क्या अच्छा था भैया, अब कई लोग ऐसे कहेंगे नहीं पंडित जी की शैली बहुत अच्छी है, वो दृष्टांत बहुत अच्छा है, उनकी क्रियाएं बहुत अच्छी है, उनका जीवन बहुत अच्छा है, ए भले आदमी हम पूछ रहे कि भगवान आत्मा कैसा है, वो जहाँ अटैक करना चाहिए वहां अटैक हो जाए, जहाँ आपको स्ट्राइक करना चाहिए वहां स्ट्राइक हो जाए, इसका नाम है प्रायोग लब्धि। अब आप समझ लो मैंने दृष्टांत दे दिया, बराबर है, समझ में आ रहा है कुछ। आज बहुत अच्छा मंगल दिन है, सबको बाहर एक ही किलो सोना मिलेगा प्रभावना में, नहीं रियली आप बाहर व्यवस्था है, आप जाए तो लेके जाना, तब जरा ज्यादा हो गया ना एक ही किलो इसलिए आपको भरोसा नहीं आया। लेकिन रियली यदि मानो यदि सही में मिले, आप बाहर जाओ सबको मिले एक एक किलो, तो सबसे पहले आपको दुख होगा कि आनंद आएगा, सोचो। अब ऐसा लग रहा है काश वो गोदी का बच्चा उलाते थे उसका भी एक किलो मिल जाता, और वो आ जाते नहीं अपने, वो नहीं आया इसे, कहाँ कोई दिख ही नहीं रहा, अपने घर का कोई दिख ही नहीं रहा, पंडित जी 10 मिनट होते मैं कॉल करके बुला लूं सबको। मैंने वो एक किलो सोना हमें कितना दिमाग दौड़ाता है, किनको बुलाना है, किनको करना है, कैसे और मिलेगा, अब कल्पना करो सबको एक एक किलो सोना मिल गया लेकिन आखिरी में धन्य रह गया, उसी समय गोल्ड खत्म हो गया, बस आखिरी में इसके नंबर था इसको नहीं मिला, धन्य तो इसको कैसा लग रहा है।
होगा। अरे होगा भैया, बहुत होगा। उसे भी बड़ा सोना भगवान है। हाँ मतलब तुम मैं बोलूँ आपको क्या होगा इसको? ये तो अभी झूठ बोल रहा है, मैं बता। अच्छा तो हाँ सही कह रहे। तो अभी चल मैं बोलता हूँ, इस जिंदगी भर इसे याद आएगी, एक दिन सबको गोल्ड मिला। मेरा कितना बैड लक, मुझे नहीं मिला। पापा मेरे हिस्से का कहाँ गया? आपको मेरा रखना चाहिए था, आप तो बांट रहे थे, आपको मेरा ध्यान। कुछ नहीं बातें जी है प्राइवेट लव, सारी जिंदगी याद है। ऐसे में चांस छोड़ गया, अरे मेरी चांस छूट गया सम्यक दर्शन का। ऐसा कैसा लगे? अब मुझे चांस नहीं खोना है, बोलो। धन चल ईमानदारी से बोलना, जिनमानी के सामने झूठ नहीं बोलना। अगली बार 1-1 करोड़ का डायमंड मिलेगा, इस बार तो तेरे को गोल्ड नहीं मिल पाया 1 किलो, तो अगली बार डायमंड मिलेगा तो तू सबसे आगे लगेगा कि पीछे लगेगा? बोलो भाई, सब सिर्फ तुम कहाँ लगो, ईमानदारी से बोलो जी। भोग जाने के नाम पे इसका नाम है प्रायोग लब्धि। लेकिन आपने देखा होगा लोग भोजन करने के लिए सबसे आगे होते हैं, प्रवचन सुनना हो तो सबको बोलना पड़ता है, चलो ना टाइम हो रहा है, तुम चलो हम आती है। वो पीछे पीछे बैठ जाएंगे, थोड़ा सुन लेंगे, उनको डर लगता है कहीं हमारा कहीं त्याग ना हो जाए। लेकिन मैंने पहले कह दिया, मैं त्याग नहीं कराता हूँ, मैं आपको पहले भोगना सिखाता हूँ। आपको भोगना आ जाए ना तो आप त्यागी भी हो जाओगे, और जो भोगों में पलायन करता है ना वो त्याग में भी पलायन करता है। मेरी बात को उल्टा नहीं समझना, मैंने बहुत कठोर बात कही है। और जितनी अप्रभावना होती ना वो त्याग की पलायन से होती है। और आप देख लेना जितने महापुरुषों का चरित्र लिखा गया है वो सब संघर्षशील थे, पढ़ लेना पुराण उठा गया, सब संघर्षशील थे और वे फटाफट मोक्ष गए। चाहे वो राम हो, चाहे वो पांडव हो, चाहे पार्श्वनाथ हो, चाहे कोई हो। और आपने देखा हो जिन्हें भी केवल ज्ञान हुआ ना, जब भयंकर संघर्ष होता है उस समय होता है। मैं जीवन उपसर्ग आया, सियालनी खा रही है, गीजर खा रहे हैं, सिर पर सिगड़ी जल रही है, उस समय कितना बड़ा संघर्ष होता हुआ सोचो आप, अंदर अंदर कितना धारा चलती होगी, उस समय केवल ज्ञान होता है। मैंने पलायनवादी को नहीं होता। चलिए आज तो बहुत हो गया। ओम नमः शिवाय।